गुड मॉर्निंग क्लास, फिफ्थ सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, और आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास का ये लास्ट वीडियो है। 12th of March आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, 2 days की आपकी हॉलीडे है, छुट्टी है आपकी, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 12th of March से आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपने जो भी आपको अब तक करवाया है सिलेबस में, वही आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर आपने करना है। तो इसमें हम एक टॉपिक देख लेते हैं आज, लास्ट आपका ट्रायंगल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ट्रायंगल जैसे आप लोगों को पता है कि 3 साइड से मिलकर आपका क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, और सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड। साइड के ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि साइड के अकॉर्डिंगली आपके जो ट्रायंगल है उनको क्लासिफाई किया है, विभाजित किया है। पहला आपका स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कि तीनों ही साइड्स क्या होती हैं आपकी, अनइक्वल आपकी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। सपोज़ करिए ए बी आपके 3 सेंटीमीटर है, तो आपका ए सी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और बी सी आपका 6 सेंटीमीटर। तो तीनों ही साइड इसमें क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग हैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये दो साइड आपकी बराबर होंगी, दो साइड इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि ये भी 5 की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की, और एक साइड इसमें क्या होती है, डिफरेंट, तो ये क्या हो गया आपके, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखते हैं कि तीनों ही साइड इसकी क्या होती हैं, बराबर आपकी होती हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल के बेस में हम किस तरीके से ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं। पहला आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका क्या होता है, ये देख रहे हैं आप 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, तो ये आपका एक एंगल इसमें क्या होता है आपका 90 डिग्री का हुआ है, तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपके क्या होते हैं, जो ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल इफ़ इट हैज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि जो आप ऑब्ट्यूज आपके एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं आपके, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक्यूट एंगल आपका क्या होता है, ये देख रहे हैं 90 डिग्री से यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया। और जो आपके एक्यूट होते हैं वो आपके 90 डिग्री से क्या होते हैं, आपके कम के एंगल जो बनाते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये आप अच्छे से प्रिपरेशन आप अपने एग्ज़ाम के लिए करेंगे, जितना भी आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ, जितना भी आपको करवाया है सिलेबस में, वही आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आपने करनी है। सो थैंक यू क्लास।